ओम शांति। आज 2 फरवरी 2024 है और प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अगर हम उच्च पद की प्राप्ति करना चाहते हैं तो जो बाबा हमें श्रीमत देते हैं, जो पढ़ाई देते हैं, उसे हमें ज्यों का त्यों धारण करना है। उसमें अपनी मनमत या परमत को मिक्स नहीं करना। प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया, अलबेलेपन की लहर को विदाई दे, सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा भव। बाबा ने आज हमें समझदार आत्मा भव का वरदान दिया। समझदारी से ही हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं, समझदारी से ही हम तीव्र पुरुषार्थी बन सकते हैं और सदा उमंग उत्साह में रह सकते हैं। लेकिन बेसमझ किसे कहा जाता है? जब हम स्वयं को न देख दूसरों को देखते हैं, और जब दूसरा कोई गलती करता है, पुरुषार्थहीन होता है, तो उसके अलबेलेपन को देख हम स्वयं अलबेले हो जाते हैं। उस समय हम ये नहीं समझते कि ये अपने कर्मों को जिस प्रकार जी रहा है, जो भी उसको रिजल्ट मिलेगा वो उसे मिलेगा, लेकिन हम यही समझते हैं कि ये तो चलता है, ये सभी कर रहे हैं, तो अगर हमने भी ये गलती करी तो ये बड़ी बात नहीं है। बाबा ने हमें एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई ठोकर खाता है तो उस ठोकर जिसने खाई है, जिसे चोट लगी है, क्या हम भी जाकर ठोकर खाएंगे, स्वयं को चोट लगाएंगे? यदि किसी को ठोकर लगती है, चोट लगती है, तो हम उसे सीखते हैं कि हमें अपने आप को बचाना है। इसी प्रकार यदि हमारे आसपास हमें कोई पुरुषार्थहीन दिखाई देता है, अलबेला दिखाई देता है, श्रीमत के विरुद्ध कार्य करता हुआ दिखाई देता है, तो हमें उसे देख के अपने पाथ को डिस्टर्ब नहीं करना, समझदारी से कार्य करना है, अलबेलेपन में नहीं आना और सदा उमंग उत्साह में रहना है। ओम शांति।